हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को लेंगे जो कि आपका ग्रुप का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव डैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। यानी कि द सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है, हम लोगों को ये दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे अंडर एडिशन यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में वो जो होगा हमारा ग्रुप होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, यही हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने प्रूफ को देखते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और है, देखिए जो आपका ग्रुप होता है तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे रहा है तभी जाके हमारा ग्रुप होगा। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो जिन्होंने ग्रुप का प्रॉपर्टीज नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके पहले प्रॉपर्टीज को देखें, उसके बाद क्वेश्चन को देखें, 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपना प्रूफ को देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमने माना, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर। लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, हमने माना आई जो है सेट ऑफ इंटीजर है, दैट इज यहाँ पे आई इज इक्वल टू, हमने सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे मान लेंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपका क्या होता है आप जानते होंगे, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स का एक सेट होता है जो कि माइनस से लेकर के प्लस दोनों एक साथ इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। अब यहाँ पे ग्रुप को हम लोगों को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज जो होता है, जैसे कि फर्स्ट वाला क्या होता है आपका, फर्स्ट वाला होता है आपका क्लोजर लॉ। तो चलिए हम लोग क्लोजर लॉ को यहाँ पे देखते हैं। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसका मेन लिख दे रहे हैं। देखिए अगर आपका ए बी जो है अगर बिलोंग कर रहा है जी से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका तो यहाँ पे ए ऑपरेशन ऑपरेशन बी बिलोंग करेगा आपका जी से। तो ये तो आपका मेन यहाँ पे प्रॉपर्टीज होता है ग्रुप का, तो इसके अनुसार हम लोग इसको फुलफिल कराएंगे। तो देखिए तो ये तो आपका ये एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिखना है, ये हम समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए यहाँ पे द सम ऑफ, हम यहाँ पे क्लोजर लॉ को यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, ठीक है। देखिए सम ऑफ टू इंटीजर्स इंटीजर होगा कैसे, तो यहाँ पे हेंस चूंकि यहाँ पे देखिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आई से, ठीक है, तो यहाँ पे देन ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आई से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको अगर कन्फ्यूजन होगा, कैसे यहाँ पे अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आई से तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आई से, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो उसको भी हम लोग दूर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हम नीचे लिखेंगे उसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बस आपको हमने समझाने के लिए इसको हम लोग प्रूफ करके इसको थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं। तो ए और बी बिलोंग कर रहा है आई से, यानी कि आई के अंदर से हम लोग ए और बी कोई दो एलिमेंट चूज करेंगे, जैसे कि हम लोग -3 इधर का ले रहे हैं और एक एलिमेंट इधर का ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे -3 और 1 ये तो बिलोंग कर रहा है आपके आई से, बिलोंग कर रहा है आई से क्योंकि आई का एलिमेंट है। तो यहाँ पे देन यहाँ पे अब दोनों के बीच हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, तो -3 ए के जगह पे और प्लस बी के जगह पे क्या है 1, तो इसको इक्वल क्या होगा, -3 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो -2 जो होता है वो भी तो आपका बिलोंग करता है आई से, ये भी इंटीजर का सेट है, इसमें -2 भी तो है, यानी कि वैसा एलिमेंट जो कि अगर ए बी हम लोग माने वो बिलोंग कर रहा है आई के अंदर से, तो उसका ऑपरेशन भी हम लोग निकालें तो बिलोंग कर रहा है आई से, तो उसको हम लोग क्लोजर लॉ बोलते हैं। तो ये हमने समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला जो होता है प्रॉपर्टीज आपका, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपका ए ऑपरेशन यहाँ पे अगर हो बी ऑपरेशन सी, तो इक्वल होता है आपका ए ऑपरेशन बी,
ऑपरेशन सी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं, तो एडिशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। देखिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो होता है एसोसिएटिव होता है, ठीक है। हेंस यहाँ पे अगर ए बी, ठीक है, सी बिलोंग कर रहा है आपका अगर आई से, तो देन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा आपके आई से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, जैसे कि हमने क्लोजर लॉ में दो एलिमेंट को लिया, यहाँ पे आपको थ्री एलिमेंट लेना है, ठीक है, और वो आई का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इतना करके देखिएगा, तो अगर इतना फिर कीजिएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो होता है एसोसिएटिव होता है, आपको उतना यहाँ पे प्रोसेस करके नहीं दिखाना है, सिर्फ यहाँ पे लिख देना है। अगर आप चाहें इसको देखने के लिए सच में इक्वल होता है, तो आप रफ में करके देख सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स का आप यहाँ पर तीन सेट लीजिए और यहाँ पर दोनों को इक्वल करके देखिए, इक्वल निश्चित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला आपका क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए, द आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा भी इसका भी देख लेते हैं। देखिए और यहाँ पे आपका ए प्लस ई इज इक्वल टू, और यहाँ पे ई प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल हो जाए आपका अगर ए के, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आपका मेन जो होता है, ये आपका लॉ होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज होता है। तो द आइडेंटिटी ऑफ आई इज ज़ीरो, देखिए एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए जब भी और आपका एडिशन के लिए कहेगा, तो आपको आइडेंटिटी एडिशन के लिए हमेशा हम लोग ज़ीरो मानते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जब कहेगा तो वहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी वन मानते हैं। ये आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ये कैसे मानते हैं इसको हमने बताया है अपने वीडियो लेक्चर में, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो द आइडेंटिटी ऑफ आई इज ज़ीरो, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है आपके आर से, ठीक है। अब आर से यानी कि देखिए आर से नहीं सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ आई इज ज़ीरो होगा आपका, ठीक है, क्योंकि आई के अंदर आपका जीरो भी तो होता है, माइनस से यहाँ पे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू ऐसे करके जो होता है उसमें माइनस भी होता है शामिल और प्लस भी होता है शामिल, लेकिन उसके साथ जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इज ज़ीरो, क्योंकि हमने बताया है एडिशन के लिए हम लोग आइडेंटिटी ज़ीरो लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी वन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर अगर ए प्लस ज़ीरो, या फिर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं ए प्लस ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, तो हमारा यहाँ पे ए ही होगा। कैसे ए होगा तो आप करके देख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है समझने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी ए के जगह पर हम लोग माइनस थ्री मान लेते हैं, और प्लस आइडेंटिटी तो हमारा ज़ीरो है ही, और इधर हम लोग ज़ीरो प्लस यहाँ पर माइनस थ्री कर लेते हैं, तो दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर भी माइनस थ्री होगा और यहाँ पर भी माइनस थ्री होगा, दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया। और ये जो माइनस थ्री है इक्वल क्या है, ए के, क्योंकि ए की जगह पर हमने माइनस थ्री माना है। तो यहाँ पे आपको समझ चुके होंगे कैसे एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फुलफिल यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर ऑल ए जो है आपका बिलोंग कर रहा है आई से, जो ए है यहाँ पे वो आई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो आपका लास्ट प्रॉपर्टीज होता है आपका फोर नंबर, क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो यहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर रहा है, यानी कि खुद का इन्वर्स, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है आपका जी के से, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है, अगर ए इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए जी से, ठीक है,
जैसे कि अगर ए ऑपरेशन यहाँ पे ए इनवर्स ठीक है इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू हो जाना चाहिए आपके ई के, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, ई जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। देखिए ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो इसका ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी से। तो यहाँ पे ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू अगर ई हो जाए तो आपका एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फुलफिल कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द इनवर्स ऑफ यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है आई से, तो इज क्या हो जाएगा, माइनस ए भी बिलोंग करेगा आई से, ठीक है। तो यहाँ पे फोर यहाँ पे ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू हो जाए 0, ठीक है। तो कैसे ये 0 हो गया इसको हम लोग देखते हैं। और 0 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया है, जब हम लोग प्लस के लिए लेकर चलते हैं तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और माइनस के लिए लेकर चलते हैं तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस ए इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स प्लस ए, यहाँ पे ऑपरेशन के जगह पे हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस लेके चल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लेके देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन भी कह रहा है अंडर एडिशन के और रिस्पेक्ट में हम लोगों को ग्रुप दिखाना है, तो जब भी एडिशन के अंडर हम लोगों को दिखाना होगा तो हम लोग एडिशन को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग टू ए बिलोंग आई, तो इज यहाँ पे ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा आई से, यानी कि ए का इनवर्स यहाँ पे ए इनवर्स बिलोंग करेगा आई से। तो फोर यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज के अनुसार प्लस ए प्लस यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। कैसे हुआ है आप इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दस ऑल द ग्रुप पोस्टुलेट्स ऑल द ग्रुप पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कैसे यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। और अगर आप ब्रीफ से इसको समझना चाहते हैं तो आप जाके ग्रुप का डिफिनेशन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो आपको 100% ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।